तो इनके जो पीछे बंदे खड़े हुए थे उन्होंने इशारा किया कि वही बंदे हैं जिन्होंने कल हमारी गाड़ी को रोका था और आज इनको इनको मदद चुकाते हैं। ये जो असामाजिक तत्व हैं इनके खिलाफ और कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनका ठेका रद्द किया जाना चाहिए। और उन्होंने जैसे ही आए मेरी तरफ से गाड़ी की तरफ खिड़की खोल के गर्दन पकड़ के मुझे बाहर निकाला और कहा आज इसका इलाज करते हैं। उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाहर के प्रधान और सेक्रेटरी सचिव के साथ भी ऐसा कर सकते हैं तो हम पब्लिक के साथ क्या होगा। ये जैसे कि वकील अपनी मनमानी करने के लिए बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ नहीं उठनी चाहिए और हम ऐसे ही करेंगे, हमारी क्रेनों पर दंगताना करते हैं ताकि बार प्रधान बार बार वहाँ पर ताकि हमें तंग करता है। अब मैंने 20,000 रुपये अपने उसमें ये क्या इलेक्शन में लगा रखे हैं, मैं अब तुमसे दुगने वापिस लूँगा। गालियाँ गलौज छोड़ देते हैं, मारने पीटने की धमकी, जान से मारने की धमकी देते हैं। हमें बार प्रधान बने हैं तब से ऐसा ही काम कर रहे हैं जी हमारे साथ। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। कल आपको जैसे पता लग ही गया था कि बार के प्रधान की गाड़ी किस तरीके से बजरंग भवन फाटक पर उठाई गई थी, उसके बाद आज सेक्रेटरी की गाड़ी को पहचान कर उनके साथ भी बदसलूकी की गई है। ये आरोप जो है बार की ही सेक्रेटरी खुद लगा रहे हैं। हमारे साथ दीपक हुड्डा मौजूद हैं। सर, क्या हुआ था आपके साथ आज पूरा? आज हम मैं और प्रधान जी डॉक्टर साहब के पास पीजे जाने लग रहे थे और जैसे इनकी गाड़ी जो टो करने के लिए आती है साथ में गुजर रही थी तो इनके जो पीछे बंदे खड़े हुए थे उन्होंने इशारा किया कि वही बंदे हैं जिन्होंने कल हमारी गाड़ी को रोका था और आज इनको इनको मदद चुकाते हैं। और अच्छा। जैसे हमने उनकी बात को सुना, हमने उनकी अपनी गाड़ी को आगे ले गए, मैंने प्रधान जी को गाड़ी आगे लगा के उनसे पूछे बताओ भाई क्या बात है, क्या कर रहे थे। बोला तुम्हारे को तो मजा अभी चखा देते, 10 मिनट रुको। उन्होंने अपने साथियों को फ़ोन किया, करीबन 10-12 लोग आए, उनके हाथ में रोड वगैरह और इस तरह का उनके पास मटेरियल था और उन्होंने जैसे ही आए मेरी तरफ से गाड़ी की तरफ खिड़की खोल के गर्दन पकड़ के मुझे बाहर निकाला और कहा आज इसका इलाज करते हैं। इतनी देर में पब्लिक वाले लोग इकट्ठे हो गए, फिर प्रधान की तरफ चले, प्रधान जी की तरफ, इतनी देर में पब्लिक वाले एकजुट हो चुकी थी। अच्छा। वहाँ से वो भाग गए जी, फिर वहाँ से वो भाग गए। तो इसके पीछे आप वजह क्या मान रहे हैं कि शहर में क्या गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है या क्या? इनको लाइसेंस में नहीं कहता कि एक नो पार्किंग का है, इनको लाइसेंस गुंडागर्दी का लाइसेंस है। जैसे कि 10 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो एक व्यापारी के साथ इन्होंने कपड़े तक उतार दिए थे, सिर्फ उसे एक अंडरवेयर में छोड़ दिया था और उसको बार बार पिटाई करके उसकी गाड़ी टो करके उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी। जैसा कि आप देख रहे हैं बार के प्रधान और सेक्रेटरी सचिव के साथ भी ऐसा कर सकते हैं तो हम पब्लिक के साथ क्या होगा। सर, आपके साथ कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर भी आपने एक शिकायत वगैरह भी दर्ज करवाई थी, आज भी फिर से ये सब हुआ है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल हमारी शिकायत के ऊपर एक FIR दर्ज हुई है और आज भी हमने शिकायत दी है, उसके ऊपर हमको पुलिस प्रशासन का है कि उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो क्या आज के ग्राउंड्स जो हैं रखे गए हैं FIR दरखास्त के आपकी? वो हमने दरखास्त में लिख दी है, जैसे FIR दर्ज हुई आपको बता देंगे हम। तो अभी आपकी DSP सर से बात हुई है तो उन्होंने आपको क्या कहा है? उनका है कि उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इसके अलावा भी ऐसी जो मामला है कई बार सुनने को मिलता है जब क्रेन जो उठाने आते हैं उनके साथ बदसलूकी की जाती है, आपके साथ हुई है, आम पब्लिक के साथ भी हुई है, ऐसा सुनने में आता है, तो उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो अब प्रशासन को लिख के देंगे कि इस तरह की आपत जो ये जो असामाजिक तत्व हैं इनके खिलाफ और कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनका ठेका रद्द किया जाना चाहिए। जैसे कि आपने सुन लिया कि इन्होंने कह दिया कि ठेका रद्द करने की बात यहाँ पर कर दी गई है, अब देखना ये होगा कि दूसरा पक्ष इस कड़ी में क्या कहता है। वकीलों ने जिन पर आरोप लगाया है वो हमारे साथ दूसरा पक्ष मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकुर है जी। सर, आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर बार बार कि बदसलूकी जो है जो क्रेन उठाने वाले आते हैं उनके द्वारा की जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे करिंदे बदसलूकी नहीं करते है, ये जैसे कि वकील अपनी मनमानी करने के लिए बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ नहीं उठनी चाहिए और हम ऐसे ही करेंगे, हमारी क्रेनों पर दंगताना करते हैं ताकि बार प्रधान बार बार वहाँ पे ताकि हमें तंग करता है, ऐसी बदसलूकी ये हमारे साथ बदसलूकी करते हैं जी। तो किस तरीके की इनके द्वारा आप पर बदसलूकी की गई है? ये हमारी क्रेन को
कल हमारी क्रेन को खोस ले गए थे, छीन के ले गए थे बार में, जो देखो प्रशासन के सामने हमारी गाड़ी छीन ले गए थे इन, वो गाड़ी फिर प्रशासन ने दाब दी तो इन्होंने थाने में छोड़ दी वो गाड़ी, ना हमसे कोई फोन पे बात की ना कुछ हमसे कहा, हमारे से गालियां गलो छोड़ देते हैं, मारने पीटने की धमकी, जान से मारने की धमकी देते हैं हमें, टेंडर को कैंसिल करा देंगे ऐसे बोलते हैं, मगा जी करा दो आप कैंसिल। तो आपने कब टेंडर भरा था ये हमें चार महीने हो गए, करीब हो गए हैं जी, चार महीने से ये बार प्रधान बने हैं तब से ऐसा ही काम कर रहे हैं जी हमारे साथ। ये कह रहे हैं मैंने 20,000 रुपये लगा रखे हैं, अब मैंने 20,000 रुपये अपने उसमें ये क्या इलेक्शन में लगा रखे हैं, मैं अब तुमसे दुगने वापिस लूंगा ऐसे कहते हैं। किसने कहा है आपको? ये जो प्रधान जी ने कहा है। अच्छा, कल की बात है, मेरे 20,000 रुपये लगे हुए हैं, मैंने 20,000 रुपये में अपनी गाड़ियाँ छुड़वा रखी है। वो तो जी एक आम बात है, जनता के साथ भी ऐसा ही होता है, और जो मतलब ये प्रधान इनके साथ भी तो फिर ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है, मतलब तो ये है ये इनकी गाड़ियों नहीं उठाएंगे, गाड़ियां तो हर एक रूल तो हर एक बंदे के लिए चलता है जी, ये ऐसे नहीं है कि ये प्रधान है तो इनकी ये इनके वकील है तो इनकी गाड़ियाँ नहीं उठेंगी, जहाँ पे नोट पार्किंग में गाड़ी खड़ी मिलेगी चाहे वकील की हो चाहे वो किसी की भी गाड़ी हो, वो भी गाड़ी उठ के आती है और वो पर्ची कटवा के जाती है, वकील हमसे बहुत ही ज़्यादा जागती कर रखी है उन्होंने। तो इससे पहले ये पहला केस आपके सामने आया है जब किसी वकील ने इस तरीके से आपको रोका है, या इससे पहले भी आपके साथ हो चुका है? एक बार ही वकीलों ने किया हमारे साथ और किसी ने नहीं किया, तो ये तीसरी बार हो चुका है। एक बार रात को शाम को आए थे ये 6-7 बजे ही, वो हमारे पास वीडियो भी है, उन्होंने आते ही हमको गाली गलोच रहे ऐसे, माँ बहन की सारी ऐसी दर्द गालियाँ दे रहे थे, हम बोले प्रधान जी आपको शोभा नहीं देती, हाँ नहीं कैंसिल करा दूँ, पता है मेरे को किसका है ऐसा है वैसा है, गुंडा राज चला रखा है, माँ जी एक बात बताओ आप नोट पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हो तो हमने गुंडा राज कौन सा चला दिया, हम तो जी धंधा करते हैं अपना, हम तो निगम में पैसे जमा कराते हैं, पैसे जमा कर रखे हमको टेंडर मिला हुआ है। तो कितने का आपका टेंडर निकला हुआ है? ये टेंडर निकला हुआ है मैडम हमको देने पड़ते हैं 4-4.5 लाख रुपए महीना। अच्छा, हाँ महीने में 4.5 लाख रुपए हमको निगम में जमा कराने पड़ते हैं, जितनी आप जो जब्त किए गए वाहनों के से वसूली करते हैं। हाँ, उनसे 500 रुपए की पर्ची काटते हैं जो निगम ने हमको दे रखी है, 500 रुपए की नोट पार्किंग की पर्ची है और वो हम काटते हैं मैडम। तो अभी जैसे इन्होंने आप पर ये भी आरोप लगाया है, इससे पहले भी कई व्यक्तियों को आपने बदसलूकी की है कईयों के साथ और हाथापाई भी हुई है, एक के साथ एक व्यापारी के साथ इतना कर दिया था कि उसको बिना कपड़ों के ही छोड़ दिया था, ऐसा कुछ भी हुआ था? ने पहले तो हमारे कारिंदे को मारा था जी। अच्छा, हाँ, और बाद में वो लड़ाई किसी और की थी और जोड़ दी हमारे साथ। अच्छा, हाँ, वो लड़ाई किसी और की थी, वो हमने जवाब भी दे दिया है कमिश्नर साहब को, हमें जो नगर निगम में जवाब भी दे दिया हमने, वो हमारी लड़ाई नहीं थी जी, वो गाड़ी नो पार्किंग में थी, उन्हें हमारे कारिंदे को मारा था, हमने जाके बस वो ऐसे ही बोला था भाई क्यों मारा, और कोई ऐसा कोई वो नहीं थी, ये लड़ाई किसी और की थी, जोड़ा मारे को दी। तो अभी आप डीएसपी से मिले हैं, कल भी शिकायत आपके खिलाफ भी दर्ज हुई है, आपने भी कोई शिकायत दर्ज करवाई है? कल भी कराई है जी। क्या ग्राउंड थे उसके? उसमें यही कराई है जी, हमारी गाड़ी छीन ले गई जबरदस्ती, जो प्रधान सेक्रेटरी इन्होंने जबरदस्ती गाड़ी छीन के ले गए थे हमारे से, हमने वीडियो भी दे रखी है और बार में ले गए थे गाड़ी हमारे से छीन के। आज किसके, आज कौन सा बेस था आपकी शिकायत का? आज भी आपने दर्ज करवाई है? आज भी दर्ज कराई है। किस बेसिस पर? आज भी गाड़ी से नीचे गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ड्राइवर को नीचे उतार के और गाड़ी लेके जाऊंगा, जब्त करूंगा गाड़ी में। ये बोला? हाँ जी। किसने बोला? लोकेंद्र पवार, ये ड्राइवर है, इसने ड्राइवर था उस टाइम, इसको नीचे। यही थे ट्रेन में जो ड्राइवर थे? आप ही थे सर जो ड्राइवर थे? क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम आपके साथ? मैडम ये हुआ था कि मैं डीस पे अपने मेडिकल मोड पे गाड़ी उठाने के लिए आया हुआ था और मैंने गाड़ी जैसे टो की है, टो करने के बाद मैंने जैक उठाया, तब तक दो साफ गाड़ी लेके आए हैं पीछे से और तुरंत घुमाए गाड़ी आगे हटा दी है फिल्मी स्टाइल में और बोलते हैं भाई नीचे उतर दूँ, मास्टर किस बेस पे कह गाड़ी की उठा रहा दूँ, मास्टर गाड़ी नो पार्किंग खड़ी और गाड़ी किस लिए उठा रहा हूँ मैं, कहते हैं मेरे पास क्या प्रूफ है, मजनी निगम की पर्ची मेरे पास में है, गाड़ी नो पार्किंग खड़ी, पार्किंग में नो पार्किंग की गाड़ी की वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है। अच्छा, तो आप पहले वीडियो भी बनाते हैं? पहले सर मैडम वीडियो बनाते हैं, फोटो उतारते हैं, गाड़ी उठाने में कम से 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, गाड़ी टो करते हैं उसे उठाते हैं जैक को, उसको चला के देखते ताकि हैंड ब्रेक ना खींचे, गाड़ी को नुकसान ना हो। मैंने जो साहब बोला देखा भी आज शायद पहली बार अपनी लाइफ में, मैंने कभी मैंने जानता भी नहीं इनको, जो ये अंदर डीएसपी साहब बोल रहे हैं कह रही मेरे को जाति दुश्मनी है,
तो मैंने तो देखा उनको आज पहली बार जो बोले कि धमकी देते मेरे को। कहा है कि आज आपने उनको देख लिया था इसलिए आपने अपनी क्रेन की रोकी और उसके बाद उनके पास गए और कहा कि आज आपको देख लेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, सर ने मेरे सामने गाड़ी उड़ाई, जो साहब ने आगे गाड़ी मेरे आगे और मेरे को नीचे उतारा, मेरे बार बार धक्के मारे, कह रहे नीचे उतर गाड़ी से, नीचे उतर। मैं कह रहा हूँ सर बात तो बताओ, क्या तू नीचे उतर गाड़ी से, बात बात बताऊँ तेरे को, मैंने देखा है पहली बार उनको आज। देखिए अब दोनों पक्षों की बात जो है आपने सुन ली है, अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी एक जवाबी कार्यवाही इस केस में अमल में लाती है। देखिए जी हमारी तरफ से अभी एक हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई है जो कि 12 एसोसिएशन की तरफ से है और साथ ही जो क्रेन के कर्मी हैं उनकी तरफ से भी एक हमें शिकायत प्राप्त हुई है। दोनों पे अभी इंक्वायरी की जा रही है, जैसे भी तथ्य होंगे उनके हिसाब से FIR लॉज की जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी और आपका अवगत करा दिया जाएगा। दोनों पक्षों की शिकायत आपके पास आ चुकी है? जी हाँ, PGI पुलिस स्टेशन में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शिकायतें दी हैं।